हाय एवरीवन, आज इंग्लिश PYQ सीरीज का लेक्चर नंबर 12 है। ये हम SSC MTS 2024 के लिए कर रहे हैं और आने वाले आप किसी भी SSC एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ये क्वेश्चंस या ये सीरीज बेनिफिशियल रहेगी। इसमें हम MTS 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर है 8 मई 2023 का है, जो कि शिफ्ट 3 को हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस वन बाई वन। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो कॉपी पेन लेके बैठो। अगर कुछ नहीं आता है, कोई वोकेबलरी नहीं आती है या कोई ग्रामर रूल नहीं आता है, तो वो एड ऑन कर लेना। और साथ ही में पहले क्वेश्चन खुद करना, देन वीडियो को पॉज कर देना, खुद करना, फिर उसके बाद वीडियो को ऑन करना और देखना जो आपने किया है वो सही है या नहीं, और बाद में टोटल स्कोर अपना नीचे कमेंट करके बताना। पहला हमारा यहाँ पर सवाल है, चूज़ द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। हमें वो सेंटेंस चूज करना है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो। आफ्टर अ लॉन्ग मोमेंट सी सोक हर हेड, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग मोमेंट, यहाँ पर मोमेंट की स्पेलिंग गलत है। थर्ड वाले में आफ्टर अ लॉन्ग मोमेंट सी सॉक, यहाँ पर सॉक की स्पेलिंग गलत है। आफ्टर अ लॉन्ग मोमेंट, यहाँ पर मोमेंट की स्पेलिंग गलत है। तो जहाँ पर सारी स्पेलिंग सही है वो एक ही है हमारा, वो है हमारा फर्स्ट। और यहाँ पर फर्स्ट में एक बात बता देता हूँ कि सूक का मतलब अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब होता है हिलाना, जैसे सिर हिलाते हैं ना, सिर हिला देना, तो उसको बोला जाता है सूक, ठीक है। और सूक और सॉक में फ़र्क क्या है मैं बता देता हूँ। देखो एक SSHOOK, इसका मतलब होता है हिलाना, सिर को हिला देना, और एक है हमारा सॉक। सॉक आप सभी जानते होंगे, झटका लगना, सदमे में जाना, वो वहाँ पर हम सॉक यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम। देखो एनालॉगस, अभी एनालॉगस देखो आपने पता है किससे रिलेटेड है, एनालॉगी से। आपने रीजनिंग में पढ़ते हैं ना हम एनालॉगी, एनालॉगी मतलब सिमिलर वर्ड, तो वहीं एनालॉगस का मतलब भी सिमिलर ही होता है। हमें क्या बताना है, एंटोनियम, तो एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका, डिससिमिलर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर का जैसे एनालॉगस का मतलब सिमिलर होता है, तो इसका डिससिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी आसान है। मैचिंग का मतलब जो मिलते जुलते हो, तो ये भी सिनोनियम हो जाएगा एनालॉगस का। पजल का मतलब कन्फ्यूजन होता है, स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है। तो यहाँ पर ये चारों हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट है इसका है टू हैव अ फुट इन द ग्रेव। अब इसका मतलब क्या होता है, टू हैव अ फुट इन द ग्रेव का मतलब होता है कि हम मौत के बहुत नज़दीक होना। ग्रेव का मतलब आप जानते हो, ग्रेव, ग्रेव मतलब होती है कब्र, ठीक है। हमारा एक पैर कब्र में होना, मतलब उसको टू हैव अ फुट इन द ग्रेव का मतलब जो हमारे पैर हैं वो कब्र में होना। तो अब इसका मतलब तो आप इसमें ऑप्शन से बहुत अच्छे से कर सकते हो, टू बी नियर डेथ, मौत के बहुत करीब होना, कब्र के पास में होना, कब्र में पैर होना, इसका मतलब है कि आप मौत के बहुत पास हो, ठीक है, टू बी नियर डेथ। तो यहाँ पर ये तो याद करना भी बहुत आसान है, इसमें तो कुछ इनको इसको तो नोट्स में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मिथिनॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम पैक्टीन। कि देखो मिथिनॉल जो रिलीज्ड होती है वो पैक्टीन से होती है, ठीक है। एंड इज देयर फॉर, इसीलिए मैनी अवंडेंट इन फर्मेंटेड फ्रूट, इसीलिए जो फर्मेंटेड फ्रूट है उसमें हमारी मिथिनॉल ज़्यादा होती है, मतलब कंपेरिजन टू अदर। तो सबसे पहले तो हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तो कंपेरिजन के लिए मोर तो आएगा नहीं, कंपेरिजन डिग्री मोर आएगी, ठीक है। मतलब जो फर्मेंटेड फ्रूट होते हैं आपको पता होना चाहिए कि उसमें पैक्टीन पाया जाता है, और ख़ासकर मतलब जो आपके राइप फ्रूट होते हैं ना, पके हुए फल होते हैं, उनमें पैक्टीन पाया जाता है। वो कह रहा है कि जो पैक्टीन से मिथेनॉल रिलीज होती है, और इसीलिए जो फर्मेंटेड फ्रूट होते हैं, ठीक है, जो मतलब ख़राब सड़ जाते हैं, फर्मेंटेड हो जाते हैं फ्रूट, उनमें ज़्यादा मिथेनॉल होती है। तो हम कंपैरिजन कर रहे होंगे ना किसी, मतलब एक राइप फ्रूट से और किसी मतलब अदर फ्रूट से, एक तो ये हमारा कॉमन सेंस है कि हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसमें फर्मेंटेड फ्रूट में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वह देन आएगा, कोई और जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो दिया होगा, कभी कभी हमारी खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी काम करती है। तो यहाँ पर हमें एक कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, और कंपैरेटिव डिग्री मैनी तो है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, मोर लगा देंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, व्हेन देयर इज नॉट टू डेथ टू ईट पीपल स्टार। तो देखो व्हेन देयर इज नॉट सम टू डेथ, देखो यहाँ डेथ तो नहीं आएगा, एक सेकेंड, व्हेन देयर इज नॉट इनफ टू ईट पीपल स्ट्राइव टू डेथ।
देखो ये जो टू है ना, इसे यहाँ से काट के मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये थोड़ा टाइपिंग में एरर हो जाता है भाई, है ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करो। हमारा सेंटेंस है व्हेन देयर इज़ नॉट, अब देखो मैंने इनफ क्यों बोला, क्योंकि देखो सम का मतलब कुछ होता है कि जब कुछ खाने को नहीं होगा तो, मतलब जब कुछ खाने का मतलब हमें एक प्रॉपर खाने को चाहिए ना, कि जब वो कह रहा है कि व्हेन देयर इज नॉट इनफ, मतलब जितना हमें चाहिए जब खाने के लिए मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, तो पीपल इस ट्राइब से क्या करेंगे, भूखे भूखे क्या हो जाएंगे, पीपल मर जाएंगे। तो देखो अब मैं बता दूँ सम क्यों नहीं आएगा, कि कुछ खाने को नहीं होगा कुछ का, अब यहाँ पे कुछ वो नहीं है कि कुछ बिल्कुल नहीं, मतलब वो कह रहा है कि सब, कि अगर कुछ खाने को नहीं है कुछ है, तो भाई हमें खाने को तो प्रॉपर चाहिए, एनी का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, आ फ्यू भी कम होता है, इसीलिए इनफ, कि अगर पर्याप्त मात्रा में, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा, कि अगर खाने के लिए इनफ नहीं होगा तो पीपल भूख से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर नेवर पुट ऑफ अनटिल टुमारो वॉट यू कैन डू टूडे, के मतलब कभी भी कल पर मत छोड़ो जिसे तुम आज कर सकते हो। तो ये इसमें एक छोटा सा एरर है फिक्स्ड पोजीशन का, कि अगर कहीं पुट आ रहा है ना तो वहाँ डबल ऑफ आता है, पुट ऑफ, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो हमेशा पुट के साथ डबल ऑफ वाला एफ आता है, ओ डबल एफ, तो ये यहाँ पर इस वाले पार्ट में हमारा पहले पार्ट में ही एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर द मोस्ट बरिंग एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ द इफेक्ट इट हैज़ ऑन द वर्ल्ड वर्ल्ड्स फूड सप्लाई, ठीक है। द मोस्ट बरिंग एस्पेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, अब हमें इसमें क्या करना है, इसे करेक्ट करना है, तो द मोस्ट, मोस्ट के बाद बरिंग सही है और एस्पेक्ट, द मोस्ट बरिंग एस्पेक्ट, ठीक है, तो एस्पेक्ट भी सही है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू हैव द हार्ट ऑफ स्टोन, पत्थर का दिल होना, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पत्थर का दिल होना, टू बी फेयरलेस निडर होना, ये नहीं है, नॉट बीइंग एबल टू मेक डिसीजन, कि अपने डिसीजन नहीं बना पाना, तो ये भी नहीं होगा, टू फील नो पिटी, दया ना आना, पिटी माने होता है दया, अगर आपको नहीं पता तो पिटी माने होता है आपका दया, कि दया नहीं आना, तो हमारा टू फील नो पिटी, तो ये हमारा थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इन 1971 ही वाज अवॉर्डेड द सिल्वर ऑफ द सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एंड आर्ट्स लंदन, ठीक है, सोसाइटी ऑफ आर्ट्स लंदन की द्वारा उसे सिल्वर क्या मिला था 1971 में, क्या मिलता है, मीडिएवल तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मेडल आएगा, और मेडल की सही स्पेलिंग देखनी थी हमें बस, ठीक है, मेडल वगैरह तो कुछ होगा नहीं, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तो ये तो मतलब बहुत बच्चों वाले सवाल हैं, आप आराम से कर लोगे इन्हें। तो उसके बाद है द एडिटर ऑफ अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी लिखता है उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, ये ध्यान रखना, और हमारा जो सीनोग्राफर होता है, सीन, सीनोग्राफर से सीन याद कर लो, कि जो मूवी में या थिएटर में सेट्स वगैरह बनाता है, ठीक है, उन्हें लिखता है, प्लेज वगैरह लिखता है, उसको सीनोग्राफर बोलते हैं। और आपका स्टेनोग्राफर जो होता है, स्टेनोग्राफर क्या होता है कि आप कुछ बोल रहे हो वो टाइप करेगा, और टाइप फुल स्टेनोग्राफर क्या करते हैं, उनको शॉर्ट राइटिंग सिखाई जाती है, साइंस वगैरह यूज करके वो बड़े बड़े सेंटेंस को बहुत छोटे छोटे में लिख देते हैं, उनको स्टेनोग्राफर बोले जाते हैं। हैगियोग्राफर, हैगियोग्राफर बताओ किसको बोलते हैं, जो सेंट्स वगैरह होते हैं, जो उनकी ज़िंदगी पर, संत वगैरह की ज़िंदगी पर जो लिखते हैं, उनको हैगियोग्राफर बोला जाता है। इम्पैड, हमें इम्पैड का मतलब बताना है, ठीक है, और इम्पैड का मतलब हमें सिनोनियम बताना है, ठीक है, तो यहाँ पर इम्पैड का मतलब जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, इम्पैड का मतलब मेरे भाई यहाँ पर होता है आपका रोकना, बाधा डालना, हिंडर करना, ठीक है, और यहाँ पर स्टॉलवार्ट का मतलब क्या होता है, स्टॉलवार्ट का मतलब होता है लॉयल, या कोई बंदा हार्ड वर्किंग है उसके लिए स्टॉलवार्ट यूज करते हैं हम। और उसके बाद स्टैम्प पैड होती है भगदड़, ठीक है, सडन रश ऑफ द क्राउड, अभी हाल ही की न्यूज है कुछ दिन पहले की, आपने सुनी होगी अगर आप यूपी के आसपास रहते हो तो, कि यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है हाथरस, वहाँ पर एक कथा हो रही थी, ठीक है, कथा नहीं, एक सत्संग हो रहा था, और वहाँ पर काफ़ी लोग उस सत्संग को सुनने आए थे, और अचानक से भगदड़ मच गई लोगों की,
और ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ आके वहाँ पर फायरिंग की, कुछ ऐसा कुछ गलत हुआ, अचानक से ही लोग भागने लगे, कुछ घबराहट वगैरह, बेचैनी वगैरह, भीड़ की वजह से ऐसा हुआ। और वहाँ पे मिट्टी वगैरह थी जिसमें पानी वगैरह भरा हुआ था, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। इस स्टैम्पेड की वजह से, भगदड़ की वजह से, जो क्राउड इधर उधर भागे उसकी वजह से 120 प्लस डेथ हो गई, और जिसमें सबसे ज़्यादा वुमेंस और चाइल्ड है। मतलब बहुत शॉकिंग न्यूज़ है अगर देखा जाए, भगदड़ की वजह से इतने लोग मारे गए और उनकी जान चली गई। तो स्टैम्पेड होता है आपका यहाँ पर सडन रश ऑफ द क्राउड, भगदड़ जिसे बोलते हैं। थॉर्ट, थॉर्ट का मतलब होता है रोकना, बाधा डालना। तो हमें क्या बताना, सिनोनियम बताना है, तो इम्पैड का सिनोनियम क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका थॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट वॉज आ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है इट वॉज आ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का हमें क्या बताना, साइनोनियम बताना है, सिनोनियम। डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझते हो, डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन का मतलब हम भटक जाना, हमें समझ में नहीं आना कि हमें क्या करना है। हम डिस्ट्रैक्ट जब हो जाते हैं, हम किसी की तैयारी कर रहे हैं, जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं क्या करें हमें, तो ये कहीं ना कहीं जो वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड देखूँ तो कन्फ्यूजन है। डिस्ट्रैक्शन, कन्फ्यूज हो जाना, ठीक है। फेथ, फेथ का मतलब विश्वास रखना। कन्विक्शन का मतलब होता है आस्था, बिलीफ, फेथ, ठीक है। उसके बाद अश्योरेंस, अश्योरेंस का मतलब आश्वासन देना। कोई तुम्हें आके अश्योरेंस देता है ना कि जैसे अभी मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि भाई यार पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं अश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो देखो पहली गलत है, दूसरी सही है, एनर्जेटिक हो, हेल्पफुल सही है, पॉसिबल सही है, बहुत आसान है, जर्नी सबने पढ़ी होगी, ठीक है, कोई नया वर्ड नहीं है। जब हम फंसे हैं, जर्नी की स्पेलिंग ये होती है। नेक्स्ट है हमारा चिया, इज करेंटली परस्यूइंग अ मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज इन नीदरलैंड। मतलब ये जो ब्रैकेटेड वर्ड है इसका करेक्शन बताना है। पहले में कह रहा है कि कोई करेक्शन नहीं होगा, दूसरे में वो कह रहा है कि मैं इनकी जगह एट लगा दूं, तो देखो एट तो नहीं आएगा, एट आता है जब कोई छोटी सी जगह के लिए एट आता है, बट हम बहुत बड़ी जगह के लिए इन का यूज करते हैं, जैसे कोई सिटी वगैरह, कोई स्टेट वगैरह, कोई कंट्री वगैरह में कोई चीज़ हो रही है तो वहाँ इन आएगा, ठीक है। अभी थर्ड ऑप्शन में है मास्टर्स इन डेवलपमेंटल स्टडीज इन द नीदरलैंड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है हमारा मास्टर्स इन डेवलपमेंटल स्टडीज इन द, मतलब यहाँ पर सिर्फ ये वाला ऐसा मास्टर्स के बाद एस के बाद कॉमा है, तो ये तो आएगा नहीं, मास्टर्स तो ऐसे ही लिखा जाएगा, जैसे ये ऐसे ही लिखूँगा मास्टर्स इन, ठीक है। तो पहली बात तो अब ये देखना है कि थर्ड होगा या कोई करेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तुमने एक चीज़ पढ़ा होगा कि जो हम यहाँ पर दा लग रहा है नीदरलैंड से पहले, लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कंट्री से पहले कभी दा नहीं आता, कि कोई अगर कंट्री का नाम आए तो दा नहीं आता, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ और एडिशनल पढ़ाता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि कंट्री से पहले भी दा आता है, कौन सी कंट्री से पहले दा आता है। तीन चीज़ें होती हैं जब दा आता है, मतलब तीन चीज़ें आपको याद रखनी है जब दा आएगा। एक तो किसी भी कंट्री के नाम में अगर ऑफ आ रहा है, ऑफ मतलब वो किसी चीज़ से मिल के बनाए ना, तो वहाँ दा आएगा। जैसे मैं यूएसए से पहले मुझे दा लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ, ऑफ आ गया ना, ऑफ अमेरिका, स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो मैं किस स्टेट की बात कर रहा हूँ स्पेसिफाई करने के लिए मुझे दा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ऐसी कंट्री जिनके फुल नेम लूँ तो ऑफ का जहाँ पर आए, ऑफ आए, ठीक है, तो वहाँ पर दा का यूज करते हैं, ये नोट डाउन कर लो। साथ में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ऑफिशियल नाम में दा है, मतलब ऐसे भारत का नाम इंडिया है, भारत है, या मेरा ऑफिशियली नाम दा इंडिया होता, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके नाम में ही दा है, ठीक है, उनमें अलग से दा, मतलब नाम में ही दा है तो दा आएगा ही। जैसे मैं तुम्हें नाम बता देता हूँ, एक है दा बहामास, ठीक है, इनके नाम में ही दा है, तो इससे पहले दा तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जैसे दा गैमेबिया भी है एक, ठीक है, ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जो आपको कुछ याद रखनी है। और उसके बाद अगर कोई ऐसी कंट्रीज है जो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, आइलैंड कंट्री है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड से बनी हुई है, उससे पहले भी दा आता है, जैसे कि दा नीदरलैंड, ठीक है, कुछ ही कंट्री हैं, ज़्यादा नहीं है, दा मालदीव्स, नीदरलैंड्स, और ज़्यादातर ऐसी ऐसी स्टेट कंट्रीज के पीछे ऐसा आएगा। ये एक तरह से आप ट्रिक समझ लो कि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होती हैं, द मालदीव्स,
तो ऐसी कंट्री से पहले दा आता है, तो दा तीन केस में आता है। आइलैंड कंट्री से पहले दा आएगा, या तो किसी के ऑफिशियल नेम में ही दा होगा तब दा आएगा, या आपका जब दा आएगा जब उस किसी में ऑफ का यूज हो रहा है। उसके बाद है आई ऑलवेज ट्राई टू चॉकलेट फॉर यू। देखो ऑलवेज मतलब ऐसा दिखा रहा है कि उसकी आदत है कि वो हमेशा चॉकलेट लेके आता है, ठीक है, तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर जब आदत दिखाते हैं तो हम बेस फॉर्म यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस बनाएंगे, और टू के बाद वैसे भी हम ज़्यादातर बेस फॉर्म ही यूज करते हैं, तो इसमें सिर्फ ब्रिंग आएगा। आपको ये तो पता है ना, अपनी आदत, हैबिचुअल एक्शन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, तो ये तो पता होनी चाहिए। ऑलवेज मतलब ऑलवेज आ रहा है तो ऐसा काम वो अक्सर करता है, जैसे मैं अखबार पढ़ता हूँ तो मतलब मैं डेली पढ़ता हूँ, ये मेरी आदत है। मैं चाय पीता हूँ तो मतलब मैं डेली चाय पीता हूँ, एक तरह से हैबिचुअल एक्शन दिखाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर इसलिए ब्रिंग आएगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है द एडिटर ऑफ अ डिक्शनरी। मे बी ये तो रिपीट हुआ है, ठीक है, ये हम एक बार देख चुके हैं तो इसे छोड़ो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इंडिया इज ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल। देखो इंडिया इज ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन, इंडिया इज ऑलरेडी, अब देखो यहाँ तक तो हमारा कोई एरर नहीं है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट से पहले द आया है, नो एरर, द आएगा। उसके बाद इंडिया मतलब एविएशन मार्केट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल, तो इसमें कोई हमारा एरर नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा नो एरर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब जैसे दो लोगों में, दो पार्टीज़ में या दो लोगों में, दो ग्रुप्स में झगड़ा हो गया, तो वो एक ऐसे इंसान को लेके आएंगे तीसरे इंसान को कि भाई तू सॉल्व कर दे, तू ना इसकी बात बोल, तू ना इसकी बोल, उस इंसान को बोला जाता है आर्बिट्रेटर, ट्रेटर, आर्बिट्रेटर, उसको बोला जाता है आर्बिट्रेटर, ठीक है। यहाँ पर हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे सेलिंग स्टाम्प पोस्टेज स्टाम्प्स एट द कॉर्नर स्टोर, कि वो जो पोस्टेज स्टाम्प है वो कॉर्नर स्टोर पर बिकता है। तो देखो सबसे पहले वो एक फैक्ट बता रहा है, एक जनरल बात बता रहा है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बता रहा है कि वो एक ऐसा नहीं है आज बिक रहा है या कल बिक रहा है, वो हमेशा बिकता है। और एक जब कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है तो या तो हमारा टेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में या हमारा बनेगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में। अब देखो दे के बाद यहाँ पर सेलिंग पोस्टेज स्टाम्प, अब या तो आर होता दे के बाद तो मैं इसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में बनाता, बट यहाँ पर दे सेलिंग पोस्टेज स्टाम्प है, यहाँ पर सेलिंग लगाया लेकिन आर नहीं लगाया, तो सेलिंग गलत है। अगर सेलिंग लगाना है तो मेरे भाई आर भी लगाओ, तो मैं फिर इसे क्या करूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दूंगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे के साथ सेल आएगा और सेल में एस नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है, सिंगुलर के साथ हमारा एस सी आई एस लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता, तो दे सेल पोस्टेज स्टाम्प्स। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जो जनरल ट्रूथ होते हैं, फैक्ट होते हैं, हैबिचुअल होती हैं, आदतें वगैरह होती हैं, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनती हैं, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, एमेनोरिया कैन कॉज अ रेंज ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी का हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। आप देखो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन, ठीक है। स्टांस, स्टांस का मतलब होता है कि अपना स्टांस लेना, अपना स्टांस मतलब तुम क्या सोचते हो वो बताना कि भाई तुम्हारा क्या स्टांस है इस मुद्दे पर, तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारा क्या व्यू है, उसके लिए हम स्टांस का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फीकेंड, फीकेंड का मतलब होता है फर्टाइल, उपजाऊ। तो पहली बात तो इनफर्टिलिटी का जो हमारा एंटोनियम हो जाएगा वो फीकेंड हो जाएगा, और स्टेराइल और बैरननेस, इन दोनों का मतलब ही होता है मतलब बांझपन, मतलब बैरननेस मतलब बैरन, बैरन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बैरन मतलब अनउपजाऊ, ठीक है। ज़मीन के लिए क्या एक वर्ड भी होता है, जैसे बहुत दिन तक ज़मीन पड़ी रहती है उस पर कोई खेती वगैरह नहीं होती, बैरन क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट बैरन या स्टेराइल का मतलब होता है जो जो प्रोड्यूस ना हो सके जिसमें कुछ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आई इन्जॉय फाइंडिंग वेज टू मेक द मोस्ट ऑफ माई बजट वाई भी, कि मतलब मैं इन्जॉय करता हूँ, मैं इन्जॉय करता हूँ ये निकालने में कि मैं कैसे अपना बजट को अच्छे से बना पाऊँ। तो लेथार्जिक, आलसी, तो यहाँ तो कोई इसका सेंस ही नहीं बनता। माइजर, कंजूस, देखो माइजर आ सकता है लेकिन फ्रगल ज़्यादा अच्छा वर्ड है।
ठीक है। फ्रगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल होना, कि मतलब कंजूस में और इकोनॉमिकल में फ़र्क होता है। एक होता है कंजूस जो जहाँ पैसे खर्च करने चाहिए वहाँ भी नहीं करते, और इकोनॉमिकल होते हैं जो देखभाल के पैसे खर्च करते हैं, तो दोनों फ़र्क होता है। तो वाई वीन फ्रगल, यहाँ पर क्या आएगा फ्रगल। और ग्लमी मतलब होता है सैड, उदास। तो ये 20 क्वेश्चन आज हमने किए इस लेक्चर में, 20 में से आपके कितने सही हैं आप नीचे कॉमेंट करके बता दो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर।